जी हाँ नमस्कार आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है हरियाणा में कलरक एग्जाम हो चुका है 21 बाईस और 23 सितंबर को पांच शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था और ये एग्जाम आईलाइट हो चुका है आपको बता दें कि क्वेश्चन पेपर देखकर बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर है और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है उनकी सभी की आंख खुली की खुली रह गई जो दावा कर रहे थे कि हमारा पढ़ाया हुआ में से हमने जो पढ़ाया है आपको उसमें से सौ परसेंट आएगा अब जवाब देने का वक्त दोस्तों आ चुका है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा बहुत ही काम की वीडियो है यदि आपने कलर का एग्जाम दिया था अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें सबसे पहले हम बता दें कि एच अच्छा ये जो कलर का एग्जाम हुआ था इस एग्जाम में पंद्रह लाख बच्चों ने आवेदन किया था पूरे पंद्रह लाख बच्चों ने इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ बल्कि कुछ कम हुए थे बहुत ज़्यादा कम हुए थे और आपको ये भी बता दें कि चार हजार आठ सौ अट्ठावन पदों की यह भर्ती थी प्रशासन का रवैया जो है बहुत ही सख्त था ताकि कोई जो है पेपर लीक न हो या अन्य कोई गलत गतिविधि न हो लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही भयंकर रहा क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में जो सवाल आई थी प्रश्न आए थे उनका लेवल बहुत ऊपर तक था आपने सेल्फ स्टडी की होगी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा या किसी यूट्यूबर के द्वारा पढ़ा होगा तो उसमें सिर्फ दसवीं तक का ही सिलेबस करवाया जाता है टेंथ क्लास तक का लेकिन क्वेश्चन पेपर में तो प्लस वन प्लस टू बीएससी व अन्य कक्षाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे मैथ देख सकते हैं साइंस देख सकते हैं इनको देखकर ऐसा लगा कि ये तो लेवल बढ़ता ही जा रहा है ग्रुप डी का जब एग्जाम हुआ था ग्रुप डी ग्रुप डी जो दसवीं बेस पर ये वैकेंसी निकली थी और दसवीं बेस तक ही जो है सिलेबस लिया गया था लेकिन रियल क्या है कलक कलक प्लस टू बेस का जो प्लस टू बेस क्वालिफिकेशन रखी गई थी और प्लस टू बेस से भी अपर इसके प्लस टू बेस से अपर के पर्सन इसमें भी आ चुकी थी सबसे मेन दिक्कत ये थी कि अगर एचस्सी अच्छा पहले ही बता दी थी कि कौन सा सलेबस किस तरह का आएगा किस लेवल का आएगा मेन बात है लेवल का अगर लेवल का पता हो जाता पहले तो कैंडिडेट अपनी अच्छी तैयारी कर लेते कलर के लिए भी लोग दसवीं बेस की ही तैयारी कर कर चले गए और अब एग्जाम अच्छा न होने पर एग्जाम अच्छा न होने पर हालांकि 22 को जो शाम को एग्जाम हुआ था 22 सितंबर को शाम वाला एग्जाम वो बहुत ही इजी आया हुआ था उनके लिए बड़ी राहत भरी खबर कह सकती हैं एग्जाम को देखकर बहुत सारे कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन दोस्तों नॉर्मलाइजेशन एक धोखा है यदि आपने एस एस सी का एग्ज़ाम दिया है या पिछली बार रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है तो नॉर्मलाइजेशन उसमें देख सकते हैं कि उस समय जब नॉर्मलाइजेशन हुई थी रेलवे ग्रुप डी में हो या सी में हो तो उस समय कैंडिडेट कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन न हो हम चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन न हो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से जो है बहुत सारे बच्चे जो है बच्चों के साथ धोखा होता है उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या कुछ नॉर्मलाइजेशन में होने वाला है जिसके ज़्यादा नंबर बन रहे हैं उसके कम हो जाते हैं कम वाले को ज्यादा कर देते हैं कम तो नहीं होते लेकिन बराबर ही कर देते हैं तो ये नॉर्मलाइजेशन का बहाना छोड़ दीजिएगा जो आपको गाइड कर रहा है उनसे ये पूछिएगा कि एस एस सी में नॉर्मलाइजेशन किया था और ग्रुप डी रेलवे में नॉर्मलाइजेशन किया था तब सभी कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन का विरोध क्यों कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन विशेष तौर पर एक अद्भुत अनोखा और कह सकते हैं कि बैकडोर वाला धोखा है नॉर्मलाइजेशन की मांग मत करें अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान पढ़ने वाले कैंडिडेट को होने वाला है फिर बात आती है पेपर कैंसिल की बहुत सारे कैंडिडेट मांग करें कि पेपर कैंसिल हो पेपर किसी दम पर ये कैंसिल नहीं होगा आपको मैं बता दूं अगर आप पेपर कैंसिल के लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो प्रशासन पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं या अन्य किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं जैसे स्ट्राइक ये गलत सूचना है यह गलत इंफॉर्मेशन हरियाणा में इलेक्शन हो चुके दारा जो एक सौ चौवालीस यानी चार संहिता भी लग चुकी है अगर किसी प्रकार का आपने गलत कदम उठाया तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी होना संभव है तो ध्यान रखिएगा पेपर कैंसिल की मांग करना एक गलत फहमी है, है फिर बारी आती है कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हो नेक्स्ट एग्जाम हो उससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम के बारे में आप अभी से सीख लीजिएगा यदि कोई भर्ती प्लस टू पास है तो प्लस टू तक के प्रश्न पूछे जाएंगे साइंस के भी मैथ्स के भी ये बात ध्यान करने वाली है जिन्होंने आर्ट प्लस टू आर्ट से की थी और उनके पास मैथ नहीं था उनके उनको बड़ी दिक्कत होगी मैथ साइंस नहीं था यानी जो साइंस साइड वाला बच्चा है वो प्लस टू बेस वाली वैकेंसी को अच्छे से क्वेश्चन पेपर को हल कर सकता है यानी आने वाले समय में भी, भी आप देख सकते हैं प्लस टू बेस पे वैकेंसी थी और बी ए बेस पे भी वैकेंसी थी तो उस बेस के आधार पे ही जो है क्वेश्चन पेपर में प्रसन्न रखे जाएंगे अब मांग क्या रखनी है हमें भविष्य के लिए कि सिलेबस जो डाले सिलेबस हमें कन्फर्म करा दो जो आने वाले टाइम में जो Uh, कह सकते हैं कि भर्तियों uh, के एग्ज़ाम होंगे जैसे कॉन्स्टेबल के सब इंस्पेक्टर के uh, ग्राम सचिव पटवारी के व अन्य पोस्ट के तो साफ तौर पर यह मांग कीजिए कि सिलेबस अच्छे से बताएं किस लेवल का सिलेबस आएगा किस लेवल का सिलेबस आएगा प्रशासन से यही मांग करनी है एचएससी बोर्ड से ये मांग करनी है चाहे आप मेल के द्वारा करें चाहे आप सीएमओ हरियाणा को ट्विटर के द्वारा करें या कोई अन्य मेथड करें या चिट्ठियाँ लिखी एच एस बोर्ड को कुछ भी करके लिखिएगा और मांग कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि सिलेबस हमें पहले ही बता दे किस किस लेवल का आएगा और कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल होंगे उसी के आधार पर हम तैयारी करेंगे तो एच ने कलरक में बहुत बड़ा धोखा भी दिया है और नहीं भी दिया दोनों काम कर गया यदि आप कोर्ट के चीज करोगे तो ये भर्ती फंस जाएगी लंबे से करीब एक दो साल ऐसे ही पड़ी रहेगी हालांकि ये भर्ती कंप्लीट होगी चाहे टाइम कितना ही लग जाए प्रशासन अच्छी प्रकार से लगा हुआ है जल्द से जल्द आंसर की भी आएगी जल्द से जल्द रिजल्ट भी जारी हो सकता है यदि कोई दिक्कत नहीं आई तो बीस अक्टूबर से पहले पहले जैसे जई का जो है रिजल्ट जारी किया था तो हम आपको बता दें कि सारी मेन प्रॉब्लम सिलेबस की है सिलेबस सिलेबस पता नहीं था तैयारी उसके अनुरूप हुई नहीं थी जब प्रसन पेपर आया तो आपकी तैयारी धरी की धरी रह गई तो सिलेबस की मांग करें कि कौन सा लेवल का किस भर्ती से संबंधित सिलेबस आएगा ये सावधानी की जाए बोर्ड से दरख्वास्त है हम भी कुछ ना कुछ अलग ढंग से आने वाले समय में एक वीडियो जारी करेंगे जो बोर्ड तक पहुँचाने का काम करेगी और किस तरह आप बोर्ड को पूछ सकते हैं कुछ किस तरह है? बोर्ड के बोर्ड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सिलेबस बताइएगा आने वाली भर्तियों के एग्ज़ाम से संबंधित तो आप हमारे साथ बने रहे अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो है तो कर लीजिएगा अपने विचार अपने कोई तथ्य रखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद जय हिंद